एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो कि मेरा बेबी का जो हेड है वो इतना गोल कैसे है, मैंने ऐसा क्या किया। तो आज आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको करने वाली हूँ। तो राइट नाउ मेरा बेबी बॉय है और वो 22 महीने का है। उसके साथ क्या किया जिससे उसका जो हेड है वो गोल है और सब कुछ बताऊंगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनका जो हेड है वो चपटा पोजीशन में होता है, यानी कि ये जो है ना बैक एरिया ये फ्लैट होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपका बेबी का प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ है, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी में वैक्यूम यूज़ किया गया है, जो वैक्यूम बच्चे के सिर पर लगा के उसको खींचने की प्रोसेस होती है ना, तो उसमें भी बच्चे का जो बैक हेड है वो फ्लैट हो जाता है। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि बच्चे के सोने के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा हमेशा कैसे सोता है। तो अगर सोता वो एक ही साइड से है तो ऑफकोर्स उस साइड में उसका जो हेड है वो फ्लैट होगा ही होगा। तो आप लोगों को कुछ टिप्स मैं देने वाली हूँ जो मैंने अपने बेबी के टाइम में किया था, आप लोग उनको फॉलो कीजिए। पक्का आपका बेबी का जो हेड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके बेबी का जो हेड है वो फ्लैट नहीं रहेगा, राउंड हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और आप न्यू मॉम बनने वाली हो या बन चुकी हो तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि न्यू मॉम को और ख़ासकर जो पहली बार माँ बनी है उनको तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे जो न्यू वीडियो की अपडेट्स है आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो बहुत सारा कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा कमेंट करके, और इसको बहुत सारा शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेबी का जो फ्लैट हेड है उसको गोल करने के लिए, आपको बच्चा जब दुनिया में आता है तब से ही आपको उसको राई के पिलो पे सुलाना है। राई, सरसों राई तो आप जानती होगी, जो ब्लैक कलर की सीड्स आती हैं वो राई होती है। उसको एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े में भर के उसको पिलो का शेप देना है और उसी पे बच्चे को सुलाना है। मैंने अपने लड्डू के लिए वो स्टार्टिंग से ही किया था और लगभग 1.5 साल तक मैंने उसको यूज़ किया था, जब तक वो दूसरा पिलो पे सोने लायक नहीं हुआ या वो अपनी मर्जी से सोता है। अभी वो पिलो पे सोता भी है नहीं भी, लेकिन इनिशियल टाइम में मैंने उसको राई का पिलो यूज़ करवाया था जिससे कि उसका जो हेड है वो सही रहे। पुराने टाइम में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो भी इसी टाइप से पिलो यूज़ करते थे। हमेशा हर घर में जहाँ पे बच्चा आया दुनिया में उस घर में आपको राई का पिलो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको जानना है राई का पिलो कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये एक पहला टिप है। दूसरा टिप है, बच्चे को अपना टमी टाइम जरूर दीजिए। टमी टाइम क्या होता है अगर आपको जानना है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। टमी टाइम बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। एक सिंपल वर्ड में बोलूं कि तो बच्चों को पेट के साइड से हर 10 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसे रहने की कोशिश करवाइए। इसके ऊपर मैं डिटेल आपको वीडियो बना के दूंगी, फिलहाल इनिशियली इन्फॉर्मेशन यही है कि बच्चे को थोड़ा सा पेट की साइड से रखना है, ठीक है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड ज़्यादा नहीं। और उस टाइम में रखना है जब आप उसके साथ हो, ये नहीं कि उसको पेट के साइड में सुला दिया और आप भी सो गए, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो टमी टाइम बच्चों को देना ज़रूरी है। तीसरा टिप जो है, बच्चे को हमेशा आप कोशिश करें, जब वो बच्चा सोता है, शिशु हमारा सो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि जो बच्चे का जो ये हेड है वो कैसे है। छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो वो 16 घंटे 18 घंटे सोते हैं। छोटे छोटे बच्चे 16 घंटे 18 घंटे सोते हैं और बॉडी तो उनकी मूवमेंट करती नहीं है इधर उधर, लेकिन अपना हेड वो ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो वो आपको ध्यान देना है कि बच्चा अपना हेड एक साइड में कितनी देर तक किया है। सपोज़ अगर वो राइट साइड में ज़्यादा देर तक ऐसे करके लेटा है ना तो वो ये हिस्सा फ्लैट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, हर बच्चे का गला हमेशा सीधा रखना है, दूसरे साइड में रखना है, मीन्स हर साइड में रखते जाना है, बहुत आराम से, बच्चे को पेन भी ना हो और बच्चे का जो नेक है वो सही हो। माँ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है शिशु होने के बाद, तो आप माँ हो या पापा हो जो भी हो, लेकिन आपको उसके नेक पे ध्यान देना है। बच्चे का नेक हमेशा एक साइड नहीं रहना चाहिए, उसका नेक आपको घुमाते रहना है, और ताकि उसका जो
कहीं भी एक साइड से चिपटा होने की प्रॉब्लम ना हो। आपको क्या करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जब आप करवाते हो तो आपको हर 15 मिनट में ब्रेस्ट फीडिंग चेंज करनी है, मतलब एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में आपको चेंज करते रहना है। क्योंकि जब बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो आपको एक साइड से ऐसे बच्चा रहता है, तो जब वो एक साइड से रहेगा तो उसकी एक साइड, एक नेक की साइड ही घूमेगी ना, जो नेक है एक साइड से रहेगा, तो वहाँ पे चिपटा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ना बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्रेस्ट फीड करते हैं, जैसे कि कोई एक घंटा आधा घंटा इतना करते हैं, तो इतना इतना देर अगर बच्चा एक साइड में रहेगा तो उसका उस साइड का जो नेक है वो प्रॉब्लम तो देगी। इसलिए आपको हर 15 मिनट पे उसकी साइड चेंज करनी है, जिससे कि उसका जो हेड है वो इक्वल पोजीशन में रहे। ठीक है, ये आपको 4 नंबर टिप आपको मैंने दे दिया। 5वां नंबर टिप जो है, बच्चे को हमेशा आप बेड पे ना छोड़े, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, बच्चे को हमेशा बेड पे ना छोड़े उसको सोने के लिए। उसको थोड़ी देर आप अपने यहाँ पे पीठ के बल उसको ये करें, लिटाए, ताकि बच्चे का ना, मतलब शिशु का हर समय बेड पर ये हिस्सा रहेगा ना, ये चपटा होता रहेगा, तो उसको थोड़ी देर अपने अपने ऊपर रखे, थोड़ा सा बालों को, मतलब थोड़ा सा उसके पीठ सहलाए, उसके बालों को सहलाए, उसको अच्छा लगेगा, आराम भी मिलेगा। और इससे क्या होगा कि बच्चा ऑल टाइम बेड की आदत जो बच्चे को हो जाती है ना, वो कम रहेगी। 6 पॉइंट आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे कि आपका जो बेबी का हेड है बिल्कुल गोल होगा, और ये है मालिश करना। बच्चे को इनिशियल टाइम में मैं बोलूंगी कि कोई भी दूसरा तेल आप उसको यूज ना करें। मस्टर्ड ऑयल, खासकर कच्ची घानी का जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उसको आप बच्चे के हेड पर मसाज कीजिए अच्छे से, थोड़ा सा टाइम दीजिए। वैसे तो पूरी बॉडी में मालिश करनी चाहिए, लेकिन बच्चे के हेड पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चे का जो हेड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। आप उसको जिस तरीके से करोगे ना, वो बच्चे का जो हेड का शेप है उसी टाइप से जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 मिनट मस्टर्ड ऑयल से आप बेबी का हेड मसाज कीजिए, उससे उसका बॉडी रिलैक्स भी होगा और जो हेड डाउन, हेड का जो फ्लैट होने की प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। बहुत अच्छे से उसको मसाज दीजिए, वो रिलैक्स करेगा और बहुत आराम मिलेगा उसको, और उसके हेड की सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दिए जो मैंने अपनी डिलीवरी के बाद अपने बेबी के साथ ट्राई किए थे। हालांकि उस टाइम में मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैंने इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके ये सब अप्लाई किया, और ट्रस्ट मी, मेरा जो बेबी है उसकी ग्रो भी अच्छी हुई और उसका जो हेड है वो भी अच्छा है। आपने मेरे वीडियोस में देखा ही है। तो इस वीडियो में मैंने हेड, फ्लैट हेड से रिलेटेड सारी जानकारी दी कि कैसे हम अपने बेबी के जो फ्लैट हेड को गोल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। जल्दी से इसके बारे में अगर पूछना है तो कमेंट कर लीजिए, और लाइक करके इसको बहुत सारा शेयर कीजिए। अगेन मैं बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और आपकी और कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, और आप लोगों के साथ मेरा ऐसा ही रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगी। तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। और हाँ, लॉकडाउन चल रहा है तो जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें, अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का पूरा ख्याल रखें, जिससे कि हम सब स्वस्थ रहें और हमारा भारत देश भी स्वस्थ रहे। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।